जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का अभिनंदन है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 और बिहार बजट 2019-20 के महत्वपूर्ण 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसे व्याख्या के साथ मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है, इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए। आपको टाइम ड्यूरेशन दिया ही जा रहा है, आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे, और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। इस चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे, पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम सीरीज के तीनों वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं मैं। उसके बाद है रणनीति कैसे बनाएंगे, दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए चार वीडियो आपको मिलेंगे, 6 महीने की रणनीति, 1 साल की संपूर्ण रणनीति, दैनिक समय सारणी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुल टाइम स्टडी करते हैं, और दैनिक समय सारणी कामकाजी व्यक्ति और गृहिणी के लिए, और साथ साथ में करंट अफेयर टेस्ट सीरीज तो हर एक संडे को आती ही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो का PDF देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहां पर PDF आपको मिल जाएगा। आइए सबसे पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2016-17 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना में 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी दो साल के जो ग्रोथ रेट है उसमें कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D, 1.4%, क्योंकि 2016-17 में 9.9% था, जो कि 2017-18 में बढ़ के 11.3% हो गया। त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर यानी करंट प्राइस पर 2017-18 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, कितना था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, 487,628 रुपया। दोस्तों, ये करंट प्राइस पे था, लेकिन फिक्स प्राइस जो कि 2011-12 जिसको बेस ईयर माना गया है उसके हिसाब से देखेंगे तो उसका सही जवाब हो जाएगा 3,61,504 करोड़ रुपये। नेट करंट प्राइस पे ये है 4,48,584 रुपये, और नेट फिक्स प्राइस पे यानी 2011-12 के अनुसार से ये है 3,28,824 करोड़ रुपये। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2017-18 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कितना था। पर कैपिटा इनकम को कैसे निकालते हैं, तो देखिए बहुत शानदार पिक्चर दी हुई है, इसमें आप आसानी समझ सकते हैं। टोटल जितनी जनसंख्या होती है सभी के इनकम को जोड़ करके उसके बाद नंबर ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण है, एक देखिए गरीब आदमी है और एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, तो दोनों यदि दोनों का एवरेज निकालेंगे, एवरेज पर कैपिटा इनकम मतलब होता है एवरेज, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका तो घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B, 28,485 रुपया, और ये जो फिगर दिख रहा है आपको 25,950 रुपये, ये 2016-17 का फिगर था, तो थोड़ा बड़ा है। 2017-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो हमने देखा है पर कैपिटा इनकम, भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत रहा, तो इंडिया से कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D, 32.9%। 2016-17 में देखेंगे तो भारत का था 31.6%, 2015-16 में ये था और 2014-15 में ये था, तो अभी 32.9% है। भारत का पर कैपिटा इनकम कितना था, भारत का था 86,668, बिहार का तो हमने देखा ही है 28,485 रुपये,
नंबर वन स्टेट कौन है भारत में? महाराष्ट्र है, जिसका पर कैपिटा इनकम है 1,40,997, और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर कर्नाटका, थर्ड पोजिशन पर तमिलनाडु आता है। 2017-18 में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में वृद्धि दर कितनी रही? प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है खेती, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, ये सारे इत्यादि आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4%। इसका कैलकुलेशन फिक्स प्राइस पर होता है, 2011-12 को बेस ईयर माना गया है, और इसी के आधार पे जो हम सकल घरेलू उत्पाद जो बिहार की है अभी 17-18 में 11.3, जो कि भारत में सबसे अधिक है, ये इसी फिक्स प्राइस पर कैलकुलेट होता है। 2011-12 को आधार मान करके इसको फिक्स किया जाता है। यदि करंट प्राइस पे देखें तो 6.1% है। अब 2016-17 में कितना था दोस्तों? 2016-17 में 9.8% था, और देखिए एक साल के बाद स्थिति कितनी खराब हो गई, 1.4%। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में भारी कमी देखी गई है बिहार में। 2017-18 में यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2017-18 में मछली पालन में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है 15.5% की, उसके बाद पशुपालन में 10% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन फसल उत्पादन में 4.3% का ह्रास यानी कमी हुआ है। अब आते हैं सेकेंडरी क्षेत्र में, तो 2017-18 में बिहार के सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही? पहले द्वितीयक क्षेत्र को समझ लेते हैं क्या आता है इसमें। इसमें आता है विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, ये सारे इंडस्ट्रीज आते हैं। तो इसकी वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5%। इसे भी फिक्स प्राइस पर कैलकुलेट किया गया 2011-12 के अनुसार, और करंट प्राइस पे देखेंगे तो 4.1% है। 2016-17 में कितना था? 4.2% था। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में भी कमी देखी गई है। 2016-17 में 4.2% था, जो कि 2017-18 में घट के 2.5% आ गया है। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर में, तो 2017-18 में बिहार के तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर में कितनी वृद्धि रही? अच्छा, पहले देख लेते हैं कि टर्शरी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें आता है व्यापार, होटल, आपका शिक्षा का क्षेत्र हो गया, दूर संचार, परिवहन, भंडारण और सर्विस सेक्टर इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 14.6%। इसे भी फिक्स्ड प्राइस 2011-12 पर कैलकुलेट किया गया है। यदि करंट प्राइस पे देखें तो 17.9% था, और 2016-17 में कितना था? ये 12.8% था। तो कह सकते हैं कि मामूली वृद्धि हुई है, 1.8% की वृद्धि देखी गई है। और 2017-18 में सबसे ज्यादा वृद्धि जो देखी गई है वो परिवहन क्षेत्र में देखी गई है, 38.3% की वृद्धि इसमें हुई है। अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो 2017-18 में ही बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा? टोटल जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 20.2%। और यदि पिछले 6 साल में देखेंगे तो लगभग 5.6% की कमी देखी गई है इसमें। 2011-12 में ये कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 25.8% का, जो कि घट के 20.2% हो गया है। अब सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान था, तो प्रश्न को देख लेते हैं। 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। और 2011-12 में कितना था? ये था लगभग 18.8%। तो पिछले सालों में लगभग 1.3% की कमी देखी गई है। और ये जो सामने तस्वीर दिख रही होगी आपको, ये तस्वीर है बिहार में बांका जिले के बौसी की। अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोग इनकी बात नहीं सुनते थे, तो गांव के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, खुद ही रोड बनाना शुरू कर दिया और बना भी लिया केवल 3 दिनों में, हालांकि रोड कच्ची था। तो इसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये रोड सेक्टर कंस्ट्रक्शन तो जान ही रहे हम लोग, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर का कुल कितने प्रतिशत का योगदान रहा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो प्रतिशत है 62.3 62.3% और 2011-12 में था 55.5%, तो पिछले 6 सालों में लगभग 6.8% की वृद्धि देखी गई है। 2011-12 से लेकर के 2016-17 तक के 5 वर्षों के दौरान बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खनन एवं उत्खनन, यानी माइनिंग एंड क्वेरिंग। इसमें 60% ग्रोथ देखी गई है पिछले 5 वर्षों के दौरान, तो यह सबसे ज्यादा वृद्धि वाला क्षेत्र रहा है। वायु परिवहन, जिसमें 35.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। विनिर्माण क्षेत्र में 17.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। पथ परिवहन में 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन जल परिवहन, जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें 13.8% की कमी देखी गई है। बिहार में 2018-19 के लिए कितने राजस्व अधिशेष, यानी राजस्व बचत भी कह सकते हैं इसको, यानी रिवेन्यू सरप्लस का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब देखिए, पिछले प्रश्नों में हमने देखा 2017-18, हालांकि ये आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का है, तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होता है 31 मार्च को, लेकिन ये तो फरवरी में ही पेश कर दिया था, तो 2018-19 का पूरा फिगर आया नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में 2017-18 का डाटा आपको ज्यादा मिलेगा और 2018-19 का अनुमान मिलेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न में भी देखिए लिखा हुआ है कि 2018-19 में रिवेन्यू सरप्लस का अनुमान कितने का है, क्योंकि इसमें चेंजेस स्वाभाविक है, हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 21,312 करोड़ रुपए का। राजस्व प्राप्ति कितनी थी? 1,58,052 करोड़ रुपए, और खर्च कितना था? 1,36,740। यानी आय प्राप्ति ज्यादा हुई है और खर्च कम हुआ है, तो सरप्लस हो गया, यानी अधिशेष बचत हो गया, तो रिवेन्यू का बचत हो गया बिहार में। 2013-14 में यह फिगर था 6,441 रुपये और 2017-18 में जो फिगर आया है वो है 14,883 रुपये, जो कि अब बढ़ करके कितना हो गया है? 21,312। अब इकोनॉमिक सर्वे से अंतिम प्रश्न है, 2017-18 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट कितना रहा? वो तो रिवेन्यू सरप्लस था, ये फिस्कल डिफिसिट की बात हो रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14,305 करोड़ रुपए। 2016-17 में कितना था? ये था 16,480। यानी फिस्कल डिफिसिट घट रहा है और रिवेन्यू सरप्लस बढ़ रहा है, और टोटल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 2.9%। ये बिल्कुल फिगर याद रखिएगा, 2.9% है। और FRBM जो सरकार की एजेंसी है उसने कहा है कि 3% टारगेट दिया, 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3% के अंदर आना चाहिए फिस्कल डिफिसिट, तो बिहार का है 2.9%, यानी टारगेट के नीचे ही है, बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बिहार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आइए अब बिहार बजट से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बिहार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का कुल बजट अनुमान कितने रुपए का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2,501 करोड़ रुपए। जो पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितना था? 2018-19 में था ये 1,76,990 करोड़ रुपए, और अब हो गया है 2,501 करोड़ रुपए, से कितना ज्यादा है? 23,510 करोड़ रुपए अधिक है। और ये जो फिगर दिख रहा है आपको 1,00,000 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वार्षिक स्कीम का कुल बजट है। बिहार में 2019-20 के लिए कितने राजस्व बचत यानी रिवेन्यू सरप्लस का अनुमान व्यक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 21,516 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हो गया कि बिहार सरकार के पास राजस्व का आय ज्यादा होगा और खर्च कम होगा, तो जो पैसा बच जाएगा उसका इस्तेमाल किसमें करेगी बिहार सरकार? सड़क, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र,
सिंचाई योजना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। बिहार बजट 2019-20 के अनुसार शिक्षा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राशि है 34,798 करोड़ रुपये। आई रिपीट, 34,798 करोड़ रुपीज, जिसमें राजस्व मद में 34,27 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत मद में 771 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पूंजीगत मद क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। वो सबसे ज्यादा खर्च इसी विभाग में किया जा रहा है, शिक्षा में। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टोटल कितने का बजट है, 2,501 करोड़ रुपये का, और खर्च इसमें कितना कर रही है बिहार सरकार, 34,798 करोड़। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 17.36% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। बिहार बजट 2019-20 के अनुसार सड़क प्रक्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया जाएगा? रोड, कितने रुपए का रोड बनाया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17,923 करोड़ रुपये। इसमें पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग शामिल है। सड़कों के मरम्मत के लिए 1,513 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिहार बजट 2019-20 के अनुसार कल्याण प्रक्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी सोशल वेलफेयर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,615 करोड़ रुपये, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा विभाग तथा अति पिछड़ा विभाग और समाज कल्याण के विभाग शामिल है। अब चर्चा कर लेते हैं मेट्रो की। तो बिहार बजट 2019-20 के अनुसार पटना मेट्रो के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 17,887 करोड़ रुपये, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में किया था। 2019-20 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2018-19 में हमने देखा था 2.9%, तो इसमें 2019-20 में कितना रहेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.81% रहने का अनुमान है। इस बार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितने रहने वाला है, कितना रहने वाला है? 5,72,827 करोड़ रुपये। और राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना रखा गया है? 16,101 करोड़ रुपये। ये फिगर को याद रखिएगा, यानी टोटल जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद होने वाला वो है 5,72,827 करोड़ रुपये, और राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट 16,101 करोड़ रुपये। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 2.81% आएगा, जबकि FRBM ने टारगेट कितना दिया है, 3% या उससे नीचे। तो हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। बिहार बजट 2019-20 के अनुसार पंचायती राज के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12,206 करोड़ रुपये। और ये परसेंटेज में देखेंगे तो 6.09% है। ग्रामीण कार्य के लिए 10,917 करोड़ रुपये है, जो कि 5.45% है कुल का। उसके बाद ऊर्जा के लिए है, ऑप्शन नंबर सी है, 8,894 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य के लिए 9,622 करोड़ रुपये है, जो कि 4.80% है। और ऊर्जा का परसेंटेज देखेंगे तो 4.44% है। बिहार बजट 2019-20 के अनुसार ग्रामीण विकास के लिए यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राशि है 15,669 करोड़ रुपये। यदि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 7.81%। पहला फिगर जो दिख रहा है 4,320 करोड़ रुपये, ये आपदा प्रबंधन के लिए है, जो कि 2.15% है। भवन निर्माण के लिए 5,375 करोड़ रुपये है, जो परसेंटेज टर्म में 2.68% है।
7037 करोड़ रुपए ये है समाज कल्याण के लिए 3.51%, और पथ निर्माण के लिए 7005 करोड़ रुपए यानी 3.49%। कृषि से रिलेटेड है, देखिए बिहार बजट 2019-20 के अनुसार कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 280 प्रखंडों को। कितने जिले में? 24 जिलों। सूबे के सूखाग्रस्त किसानों को 1420 करोड़ रुपए का अनुदान बजट में किया गया है। सिंचाई के लिए 350 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान को बढ़ा करके 500 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। बिहार बजट 2019-20 के अनुसार आयुष्मान भारत योजना, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, उसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 335 करोड़ रुपए। पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने के लिए 5540 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किया गया है और नालंदा में एक डेंटल कॉलेज खोला जाएगा। पटना के प्रतिष्ठित IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 100 बेड का स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण करने की भी घोषणा की गई है। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आर्थिक वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार द्वारा कितने रुपये ऋण देने का प्रावधान किया गया? कितने रुपए का लोन देगी बिहार सरकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24420 करोड़ रुपए का। यहां राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार के कर्ज और अग्रिम राशि शामिल है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान और भी लोगों तक बढ़ सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।